जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेंगे तब तक मुल्क में क्योस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, उनका वजूद ही असल में प्रॉब्लम है, वजूद खत्म होगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप उनके कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं, आप खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि उनका वजूद नहीं रहना चाहिए। किस वजूद की बात कर रहे हैं राणा साहब, सियासी वजूद की या उनकी जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखें, हमारा जो नाता या तल्लक इमरान खान साहब से या पीटीआई से है वो सियासत का तल्लक है, इसमें कत्ल कहाँ से आ गया? मामला ये है कि अगर आज बानी पीटीआई जो है वो सियासत से अलग हो जाए या वो अपनी उस मखसूस सियासी सोच को जिसके तहत वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके तहत वो ये कहता है कि सारे चोर और डाकू हैं, जिसके तहत वो तमाम सियासी जमातों से या सियासतदानों से बात करने का, बैठने का, गुफ्तगू करने का कायल नहीं है, अगर ये वो अपनी सोच बदल दे तो ये मामला जो है वो उसी वक्त उसी दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि वो हमारे सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करता तो फिर हम उसके सियासी वजूद को क्यों तस्लीम करेंगे? वो हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहता है और ये कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर भाई हम उसके सियासी वजूद को जो है वो किस तरह तस्लीम करें या किस तरह उसकी तकवीत का जो है वो राग लापेंगे? बड़ी सीधी बात है, वो हमें सियासी तौर पे जो खत्म करना चाहता है, मुझे इसमें कोई जो है वो गलत फहमी नहीं है कि मैं कहूंगा जी वो हमें कत्ल करना चाहता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमें सियासी तौर पे हमारे वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, किसी और के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, लिहाजा हम भी उसके वजूद को सियासी वजूद को तस्लीम करने से या ये समझते हुए कि इसका सियासी वजूद जो है इस मुल्क की सियासत में जो है वो इसी तरह फितना और अफरा तफरी का बायस रहेगा, इसको हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी या तो सोच तब्दील होनी चाहिए या इसका सियासी वजूद खत्म होना चाहिए। अगर आप सियासी वजूद ही की बात कर रहे थे तो आप इसको प्रॉपर्ली क्लेरिफाई कर देते ना प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम किया उसके बाद पीटीआई ने इसमें शोर मचाया, फिर आपने कल दोबारा का वजूद खत्म होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कत्ल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इतनी क्लैरिटी थी कि सियासी वजूद की तो क्लेरिफाई उसी वक्त कर देते, ये तनाजा ना खड़ा होता कि वो कह रहे हैं कि देखे कत्ल करने की। नहीं नहीं, ये क्लैरिटी जो है ये आज से कोई 8 माह पहले भी की थी, ठीक है, आज से कोई 6 माह पहले भी की थी, ये वो बात जो है, ये बात जो है वो खुद दानिश्ता तौर पे जो है वो करते हैं। और मामला ये है कि पीटीआई की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सोच के उसका महवर है और वो सोच यही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिस सियासी अदम इस्तेहकाम में फंसा हुआ, उसकी बुनियाद ही है कि बुनियाद आज खत्म हो जाए। और सुन लें, अगर ये बुनियाद ना होती तो शायद, मैं कोई यकीन से नहीं, शायद इस वक्त हुकूमत जो है कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की होती। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूं, यानी पीपल्स पार्टी और एक से मेरी मेरा